अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग बिल्कुल ठीक हैं। तो यार आज अभी ना 2 बज रहे हैं सुबह के, और मम्मा ने मुझे बहुत ही बड़ी जल्दी में उठाया। मुझे लगा मुझे मारने वाली थी जान से, लेकिन उठ गया टाइम पर। 2 बजे उठा हूँ मैं इसलिए, और क्योंकि मुझे अपने नए ट्यूशन के लिए भी जाना था। सो ये मेरी बहन की फ्रेंड है, मतलब बेस्ट फ्रेंड ही है उसकी बहन, तो वो मुझे ट्यूशन पढ़ाई है। मतलब सिर्फ मुझे मैथ्स की ज़रूरत है। मम्मा ने बोला कि मैथ्स पढ़ो क्योंकि वो दिमाग तेज़ करती है। बाकी मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सब्जेक्ट में अच्छा हूँ, सिर्फ मैथ्स ही मैं कर रहा हूँ। सही है, तो बस ये अभी तो मैं नहाने जा रहा हूँ। सही नहा कर फिर उसके बाद मैं नाश्ता करूँगा, फिर उसके बाद मैं जाऊँगा वहाँ पर। हम लोग एस ब्लॉक में, वो लोग ई ब्लॉक में, तो बस 2 मिनट का ही रास्ता है, हम लोग चल जाएँगे। सही, बस यार नहा कर तो मैं आ गया हूँ। मैंने पैंट पहन लिए और अपनी शर्ट पहन ली ब्लू। तो अब हमने बोला पहले नमाज़ पढ़ो, फिर उसके बाद हमें नाश्ता मिलेगा, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे अपने ट्यूशन के लिए। ये देखें इतना ही कोई अच्छा मौसम हो गया है, प्यारा सा एकदम से। अभी आंधी चली थी और अब बारिश स्टार्ट हो गई। तो यार ये देखें गाइस, आ चुका है मेरा ब्रोस्ट, और ये लेग पीस भी है साथ में, फ्राइज भी हैं, और ये इसके अंदर आ गया एक ये बन। सही, ये तो खैर अच्छी बात हुई बन दे दिया, तो मैं कुछ कल बना लूँगा अपने लिए इसका। और ये रहा मेरा, एक मिनट एक मिनट, माय बैड माय बैड। और ये आ गया है मेरा मलाई बोटी रोल। अभी मैं इसे खोलूँगा तो फिर ये आपको दिखाऊँगा। बोलेंगे रोज घर इतना साफ होता है, तुम खाओ खाते हैं। ये देखिए पापा का अब इसमें जरूर करनी है कि आप अपनी हाय 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 वाह जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखिए, आप इसके बारे में 2 सेंटेंस लिख सकते हैं। तो यार अब ये वाला मैंने खा लिया है, अच्छा खासा, काफ़ी हद तक पेट भर गया। अब ये वाला खा रहा हूँ, चिकन लेग पीस। इसका जल्दी से वाइट लेते हैं। वाह यार इतना अच्छा लग रहा है, एक मिनट। अच्छा बहुत अच्छा। इसकी अच्छी बात ये है इनके ब्रोस्ट की कि जूसी है और टेंडर भी है, मतलब आराम से निकल रहा है हड्डी से। ये नहीं हो रहा कि बहुत हार्ड है जैसे और ब्रोस्ट में होता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी जो फ्राइज़ है मैंने इनमें ना ये गार्लिक सॉस भी डाल दिया है, तो ये काफ़ी ना थोड़ा मैस हो गया है, लेकिन चलेगा चलेगा। वही अब बारी आ गई है मेरे इस रोल की, उसके साथ ही ना चटनी मिली थी, तो ये खोलते हैं। और ये फ्राइज भी बचे हुए हैं, ये बाद में अभी खा लेंगे सब साथ ही। तो ये इसको ही खोलते हैं, मुश्किल हो रहा है ऐसा खोलना। रुके एक मिनट, ही मत तो चटनी को मैंने खोल ली है, अब इसमें डालता हूँ ये लीजिए। वो मस्त चटनी में होगा क्या ज़रा बताएं? वो है अच्छा, मुझे लगता है इसमें दही है और कुछ सॉसेस वगैरह मिले हैं। हाँ पता नहीं क्या होगा, तो ट्राई करते हैं इसे, खोलते हैं अपने रोल को। ये ना कोई बहुत ही कोई मज़ेदार किस्म का रोल लग रहा है। अब चटनी में डिप करते हैं, पता नहीं चटनी कैसी होगी। डिप हो गई बजे हम लोग जाते हैं इसे क्रिकेट खेलने। सही, क्योंकि अच्छी धूप भी होती है उस टाइम पर। तो 5 बजे बहुत तेज़ बारिश हो गई, मौसम ख़राब हो गया, तो उसकी वजह से अब देखें अल्लाह, बस दुआ करें कि कल बारिश ना हो, मतलब हो लेकिन रात वक्त हो ताकि हम लोग क्रिकेट आराम से खेल लें। तो ये है अभी हम लोग, अभी मैं नमाज़ पढ़ूँगा, फिर उसके बाद देखें क्या करता हूँ। तो ऐसे यहीं पर हम लोग अपने ब्लॉग को एंड करते हैं,
इस वीडियो पे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली ब्लॉग में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।